हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। तो पहले हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताऊंगा, और उन प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेट क्या होता है। तो यहाँ पर सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे वेल डिफाइंड, उसी को सेट बोला जाता है। देखिए सबसे पहले यहां पर हमें दो वर्ड का मतलब जानना है, कलेक्शन और वेल डिफाइंड। देखिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट्स को जो है कलेक्ट करते रहो, ठीक है ना। जैसे हमने कलेक्ट कर लिया पैक ऑफ कार्ड्स, जो आप कार्ड होते हैं 52 कार्ड, 10th क्लास में हमने पढ़ा है स्पेड डायमंड, तो उनको कलेक्ट कर लो उन कार्ड्स को। जैसे कुछ क्राउड ऑफ पीपल कलेक्ट हो गए, क्रिकेट के टीम के जो प्लेयर्स होते हैं उनका कलेक्शन, या फिर ऑड नेचुरल नंबर जो मैथ में आता है 13579 उनका कलेक्शन, इंडिया की रिवर्स का कलेक्शन, वॉवल्स जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू उसका कलेक्शन, या फिर जो अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स होते हैं मैथ्स के अंदर, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटर। तो कलेक्शन तो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स का बहुत हो सकता है, बहुत सारे कलेक्शन हो सकते हैं। आपकी क्लास में बॉयज़ हैं, आपकी क्लास में गर्ल्स हैं, उनको कलेक्ट कर लो, स्कूल के अंदर टीचर्स हैं उनको कलेक्ट कर लो। तो डेटा तो भरमार है ना, लेकिन कौन सा कलेक्शन सेट कहलाता है और कौन सा सेट नहीं कहलाता, ये डिपेंड करता है उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं। अब यहाँ पर ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब है जो कि आपके दिमाग में एक सेंस प्रोड्यूस करेंगे कि ये चीज़ फिक्स है और ये चीज़ फिक्स नहीं है, कन्फ्यूजन वाली स्टेट नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक कलेक्शन लिया रिवर्स ऑफ इंडिया का, तो इसमें क्या है, बड़ी सारी जो इंडिया के अंदर रिवर्स आती हैं उनको आप कलेक्ट करना शुरू करोगे। जैसे नाम लिखोगे गंगा रिवर, यमुना रिवर, सरस्वती रिवर, गोदावरी रिवर, कावेरी रिवर, है ना, बड़ी सारी रिवर्स आप लिखना शुरू करोगे। अब कोई बच्चा बोले सर एक अफ्रीका में नाइल रिवर है, क्या मैं वो भी लिख दूं, तो आप कहोगे नहीं यार सिर्फ इंडिया की रिवर्स लिखनी है। तो ठीक है, आप डिसाइड कर पा रहे हो कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये जो सेंस है कि ये चीज़ इसमें आनी चाहिए और ये चीज़ इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या बनता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो कन्फ्यूजन का एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे मान लो कोई मेरे को बोले फाइव बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, इसको कलेक्ट करो जरा। अब अगर आप इंडिया के लोगों से पूछोगे तो इंडिया के लोग विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या धोनी या कोई भी इंडिया के प्लेयर्स का नाम लेंगे, है ना। कोई बोलेगा क्या, कोई कोई होता है कई बाहर के प्लेयर का भी नाम लेता, नहीं जी मेरे को तो रिकी पॉन्टिंग पसंद है जो ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन होगा क्या, पर्सन टू पर्सन, ये जो बेस्ट का क्राइटेरिया है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगेगा। कोई बोलेगा नहीं सर क्रिस गेल का नाम भी डालो, नहीं सर मेरे लिए तो वो बेस्ट है आप ये नाम भी डालो, नहीं सर मेरे को तो पोलार्ड पसंद है उसका नाम डालो, नहीं सर कोई इंग्लैंड का नाम लेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर का नाम ले लेगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी यार क्या क्या कलेक्शन करवा रहे हो भाई। तो पर्सन टू पर्सन जो है ये वेरी करने लगेगा, ठीक है ना, फिक्स नहीं रहेगा। तो वही सेट, वही कलेक्शन सेट कहलाएगा जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। अब जैसे ट्रायंगल अगर कोई पूछे ट्रायंगल सेट है या नहीं, ट्रायंगल्स का जो कलेक्शन है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि स्केलिन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, कुछ नाम्स हैं वो फिक्स है, वो सबके लिए फिक्स है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन वाला कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर कन्फ्यूजन हो गई, मैंने बोला कि भाई पांच बेस्ट मैथ्स के टीचर के नाम बताओ, तो कोई नाम लेगा। अब देखो किसी के लिए जो बेस्ट है, हो सकता है वो किसी और के लिए बेस्ट ना भी हो, ठीक है ना, जिसको पढ़ाया हुआ समझ में आता है उसके लिए वो बेस्ट है। अगर मान लो किसी और बच्चे को समझ में ना आया तो वो उसको बेस्ट नहीं मानेगा फिर। समझ में आ रहा है आपको कि क्या चीज़, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, या तो है या तो नहीं है। अगर कन्फ्यूजन हो गई तो मतलब वो कलेक्शन सेट नहीं है। तो इतने भी बेस्ट क्रिकेटर हो गए, बेस्ट पॉइट हो गए, कि मैं उसको बोलूँ बेस्ट टीचर्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब सेट में नहीं आते, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो डिटरमाइन करने का क्राइटेरिया होता है वो अलग हो जाता है। कोई बच्चा किसी को बेस्ट मानता है, कोई बंदा किसी को बेस्ट मानता है, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन हो गई तो सेट नहीं होगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल सेट होगा, ठीक है ना। अब सेट बनाते समय हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, जैसे कि फॉलोइंग पॉइंट्स में भी नोटेड। पहला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट मेंबर एंड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। अब किसी भी सेट के अंदर जो
नंबर्स आ रहे हैं या एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हो गए, मेंबर हो गए, एलिमेंट हो गए। जैसे मान लो मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया में जैसे गंगा बोला मैंने, गंगा क्या है, ये ऑब्जेक्ट भी है उस सेट का, मेंबर भी है, एलिमेंट भी है। तो ये सब टर्म्स क्या है, सिनोनिमस हैं ये। आप इन तीनों में से कोई भी एक टर्म से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। आप जो सेट है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर दोगे, या तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स वाई जेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी। तो सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। अब किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक्स वाई जेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेट को कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, मेंबर्स को स्मॉल लेटर से। अब जैसे मैं आपको एक सेट बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे इसमें बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसमें क्या है, मैंने ऐसे नंबर्स को कलेक्ट करा जो 10 से कम है लेकिन ऑड नेचुरल नंबर है। तो आपका आंसर होगा 13579, है ना। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, पूरी दुनिया के लिए सेम है ना। तो यहाँ पर इनको क्या करना है, आपको इन कलेक्शन, ये जो ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट करे, एलिमेंट कलेक्ट करे, इनको आपको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना होता है, इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं। तो जब इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखोगे तभी सेट बनेगा। और इस सेट को मैंने क्या माना, देखो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा, कैपिटल ए, ठीक है भाई। तो ये एग्जाम्पल हो गया सेट का, और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात समझो, मैंने यहाँ पर लिखा वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक बात है, वन ए का एलिमेंट है, वन ए का मेंबर है, वन ए का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बोला मेंबर, एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ये सिनोनिमस है, आप तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज़ करना, ठीक है ना। तो मैंने बोला वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए, वन ए का एलिमेंट है, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर ये इतनी बड़ी लाइन से बचने के लिए एक ग्रीक सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीक सिंबल कौन सा है, ये वाला, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एप्सिलॉन एक फ्रेज रिप्रेजेंट करता है जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। यानी कि आप इस बात को, वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन बिलोंग्स टू ए, वन एप्सिलॉन ए, मतलब वन बिलोंग्स टू ए। तो अगर आपको बताना है कि ये एलिमेंट इसमें है तो आप लिखोगे वन बिलोंग्स टू ए। लेकिन अब मैं बोलूं टेन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो आप कहोगे भाई बिल्कुल ठीक बात है, टेन तो ए का एलिमेंट नहीं है, टेन तो ए का मेंबर नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, टेन इसमें एप्सिलॉन बना करके आपको इस तरीके से एक लाइन डालनी है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो भाई वन ए का मेंबर है तो वन बिलोंग्स टू ए, 10 सेट ए का मेंबर नहीं है तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहां पर मैंने आपको एप्सिलॉन के बारे में बताया, एक ग्रीक सिंबल है जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर कोई भी एलिमेंट किसी का मेंबर है या नहीं वो इस सिंबल से हमको पता चल जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, या सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक एक करके समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म की ओर चलते हैं। बोल रहा है इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बींग सेपरेटेड बाय कोमास एंड आर एनक्लोज विद इन ब्रेसिस। मतलब इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कोमा से सेपरेटेड होंगे। इस फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर या टेबुलर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कोमा लगा होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। तो मैंने बोला 7 से कम के जो इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका सेट। तो आप बोलोगे 7 से कम इवन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 2, 4, 6। तो ये एक सेट बन गया, और क्योंकि इसके जो एलिमेंट है 2, 4, 6 ये कॉमा से सेपरेटेड है, तो इस फॉर्म को सेट की कौन सी फॉर्म बोली जाती है, रोस्टर फॉर्म, या फिर आप इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हो। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप इसको 6, 4, 2 भी लिख सकते हो या 2, 6, 4 भी लिख सकते हो,
सेट वही रहेगा, सेट सेम रहेगा, ए का ए ही रहेगा, याद रखना। एलिमेंट्स का ऑर्डर इस पर फर्क नहीं डालता, ऑर्डर एलिमेंट्स का कैसा भी हो वो रोस्टर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लिया हमने रोस्टर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वोवेल आते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसके अंदर पांच एलिमेंट हैं और पांचों के पांचों किससे सेपरेटेड हैं, कॉमा से। तो जब भी एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड होंगे उस फॉर्म को बोला जाता है कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करता, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, दो बार तीन बार नहीं आ सकता, ठीक है ना। ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, सबको अलग माना जाता है। जैसे मान लो मैंने बोला एक वर्ड लिखा मैंने स्कूल, मैंने बोला इनके अल्फाबेट से एक सेट बनाओ, तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर इसमें अल्फाबेट है सी एस फिर सी फिर एच ओ, दो बार आ रहा है मगर एक ही बार लिखना है, क्योंकि अल्फाबेट रिपीट या नंबर रिपीट एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है ना। और एल, तो आप बोलोगे ये लो सर ये रहा सेट, इसके अंदर वही अल्फाबेट है जिससे ये वर्ड बन रहा है। तो मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट रोस्टर में क्या बात याद रखनी है, एलिमेंट को रिपीट नहीं करवाना, एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं कर सकता। और अगला फॉर्म क्या है, अगला फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट उस सेट के सारे एलिमेंट एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे, विच इज नॉट पोजेस्ड बाई एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। उस सेट के बाहर जो एलिमेंट है वो वाले एलिमेंट उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे। फिर से बता देता हूँ, सारे के सारे एलिमेंट एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे होंगे, उस सेट के बाहर के एलिमेंट उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा ये, मैंने कुछ, ये आपको पता चली गया होगा, ये वॉवल्स लिखे हुए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो अगर मैं यहाँ पर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये वॉवल्स हैं, अगर मैं बोलूँ बी, तो बी इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, एक्स कॉलन एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां पर ये जो प्रॉपर्टी है एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट वो ये है ए ई आई ओ यू, लेकिन अगर मैं बोलूँ बी, बी इज नॉट अ वॉवल, तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए सेट के बाहर है। अब मैं बोलूँगा डी, सेट के बाहर है। मैं बोलूँगा जेड, सेट के बाहर है, क्योंकि वो इस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। जो इस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे वही इसके एलिमेंट बनेंगे, अदरवाइज वो सेट के बाहर रहेंगे। जो दूसरे एलिमेंट है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे होंगे वो सेट के बाहर होंगे। अब इसको देखो रीड कैसे करते हैं, यहां पर जो एक्स है ना, एक्स एक वेरिएबल है जो सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सेट का हर एक एलिमेंट एक्स की फॉर्म में है, जैसे एक्स ए बी है, एक्स ई बी है, एक्स आई बी है, एक्स ओ बी है, एक्स यू बी है। मतलब ये एक वेरिएबल असाइन कर दिया गया जिसको सारे एलिमेंट, जो उस सेट के सारे एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एक्स उन सबको रिप्रेजेंट करेगा जो उस सेट के अंदर है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या लिखा जाता है, पहले वेरिएबल हमने असाइन करा, उसके बाद आता है कॉलन। कॉलन का मतलब होता है यहाँ पर सच दैट, उसके बाद वो प्रॉपर्टी लिखी जाती है जिसको वो एलिमेंट्स फॉलो करेंगे। तो पहले आपको वेरिएबल लिखना है, फिर सच दैट लिखना है, सच दैट का मतलब होता है कॉलन, उसके बाद वो प्रॉपर्टी लिखनी है जिसको वो सारे के सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो आप कहोगे इसमें वन आना चाहिए, थ्री आना चाहिए, फाइव आना चाहिए, सेवन डॉट 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 डॉट, ये तो सेट चलता ही रहेगा। तो ये सारे एलिमेंट हैं जो इस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, टू इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए वो सेट के बाहर है। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर एक्स को वन भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स थ्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स तो इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं एक्स उन सबको रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया। रोस्टर फॉर्म होती है कॉमा फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म होती है एक कॉमन प्रॉपर्टी जिसको एलिमेंट्स फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये बातें याद रखनी है पूरी 12th के अंदर, 11th के अंदर जब भी ये सिंबल्स आएंगे तो आपको याद रखना है ये किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे सबसे पहले आया एन, एन होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जब भी नेचुरल नंबर की बात होगी कैपिटल एन, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वन टू थ्री फोर, है ना, वन से स्टार्ट होंगे।
जब भी इंटीजर्स की बात होगी तो जेड रिप्रेजेंट करना है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो जेड इंटीजर्स होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो भी। फिर रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर में सब आ जाता है, नेचुरल, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सब आ जाता है। तो रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करना है? आर से। तो जब भी नेचुरल नंबर का सेट होगा तो कैपिटल एन, इंटीजर का सेट होगा कैपिटल जेड, रैशनल नंबर का सेट होगा क्यू, रियल नंबर का सेट होगा आर। लेकिन अगर इन पे प्लस आ गया तो प्लस का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, प्लस का मतलब है पॉजिटिव रैशनल नंबर, प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर। इनके ऊपर जब प्लस लिखा होता है तो मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, नेगेटिव की बात नहीं हो रही। तो ये है एक्सरसाइज 1.1 तक का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इसमें हमने सेट के बारे में जाना कि कौन सेट होगा कौन नहीं होगा, उसके बाद हमने बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में जाना, और दो फॉर्म जानी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं आपको कराता हूँ इसकी एक्सरसाइज। पहली बहुत ही सिंपल है, पहले में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये जो मैंने यहाँ पर ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, बताना है आपको सेट है या नहीं, है ना। तो देखो, अगर इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं अगर वो वेल डिफाइंड है तो सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। सिंपल सा प्रोसीजर है जानने का, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो भाई जे से बनने वाले जो मंथ है वो जनवरी है, जून है, जुलाई है, तो वो तो पूरी दुनिया के लिए सेम ही है ना। पर्सन टू पर्सन वेरी थोड़ी करेगा, तो बोलेंगे हाँ भाई ये सेट है, यस इट्स अ सेट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। बोल रहा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर पूछ लिया, अब यहाँ पर ये वेरी करना शुरू हो जाएगा पर्सन टू पर्सन। अगर आपसे पूछा जाए, किसी बंदे से पूछा जाए सर 10 मोस्ट टैलेंटेड पर्सन बताइए राइटर, तो वो कोई और 10 का नाम लेगा, किसी और बंदे के पास जाऊँगा वो कोई और 10 का नाम लेगा, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। तो ये सेट नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो आ रहे हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये मैंने आपको बताया, ये तो कन्फ्यूजन है ही क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा किसी का नाम लेगा बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, कोई कोई बैट्समैन मानेगा, कोई किसी को बेस्ट मानेगा, कोई किसी को बेस्ट मानेगा, तो यहाँ पर भी ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, बिल्कुल जो आपकी क्लास में लड़के पढ़ रहे हैं उनके नाम तो डिफाइंड ही है ना, तो वो फिक्स है। बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं 99 तक वो हमें पता ही है, तो ये भी एक सेट होगा, कन्फ्यूजन नहीं है कुछ भी। उसके बाद बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद जिनने जितने भी अपने नॉवेल्स लिखे हैं वो फिक्स हैं, वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये भी एक सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर होगा, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो भी डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, तो वो भी होगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अब भाई दुनिया के बोल रहा है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन, अब किसी बंदे को किसी से डर लगता है, किसी के लिए कोई कोई एनिमल डेंजरस है, किसी के लिए कोई एनिमल डेंजरस है, कोई बोलेगा सर शेर से मेरे को डर लगता है, कोई बोलेगा लेपर्ड से लगता है, कोई बोलेगा मेरे को तो चूहे से भी डर लगता है ना, तो उसके लिए वो डेंजरस हो गया। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो ये सेट नहीं होगा। तो जब भी मोस्ट बेस्ट ये सब आएगा तो ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये सेट नहीं हो सकते। अब यहाँ पर एक बोल रहा हुआ है लेट, सेकंड क्वेश्चन है लेट ए, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। बोल रहा है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, बोल रहा है बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू इसमें अप्लाई करो, लिखो कि कौन बिलोंग कर रहा है कौन बिलोंग नहीं कर रहा। तो क्या 5A का मेंबर है, बोलोगे आप हाँ है, तो क्या लगाऊंगा बिलोंग्स टू। 8 मेंबर नहीं है तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 मेंबर नहीं है तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 मेंबर नहीं है तो लिखेंगे, 4 मेंबर है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू। 2 भी मेंबर है बिलोंग्स टू। 10 मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। इस तरीके से हमने सिंबल डाल दिया इसमें। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिख करके दे रखी है, हमें बताना है इसकी रोस्टर फॉर्म, यानी कि वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि पहला पहला क्या है,
बोल रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, माइनस तीन से बड़ा है, सात से छोटा है। तो देखो भाई, मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर माइनस तीन है, यहाँ पर सात है, बीच में जीरो आ रहा है। तो हमें क्या बताना है, हमें एक ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जो माइनस तीन से बड़े हों, सात से छोटे हों। तो आप बोलोगे माइनस दो, माइनस दो, माइनस एक, ज़ीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। तो ये एक ऐसे एलिमेंट हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये एलिमेंट आ गए और यही इसका क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में सेट होगा। उसके बाद अगला वो क्या बोल रहा है, एक्स एज दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, छः से कम। कितने नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप बोलोगे वन, टू, थ्री, फोर। ये पांच ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो छः से कम है, क्योंकि वन से स्टार्ट होता है ना। फिर बोल रहे हैं एक्स एज दैट एक्स इज़ अ टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट। अब आपको क्या करना है, दो डिजिट का नेचुरल नंबर बताना है इस तरीके से, जब उनकी डिजिट को जोड़ा जाए तो आठ बने। तो पहला होगा 17, अगला होगा 26, फिर 35, 44, 53, 62, 71 और 80। तो ये सारे के सारे ऐसे टू डिजिट नेचुरल नंबर हैं जिनकी डिजिट को आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। याद रखना, कई बच्चे इसमें 08 भी लिख देते हैं, तो 08 वन डिजिट नंबर होता है, टू डिजिट नहीं, ठीक है ना। तो उससे आप अवॉइड करें उसको। डी में बोल रहा है एक्स इज दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो प्राइम नंबर भी हो और 60 को डिवाइड भी कर दे। तो वन प्राइम नंबर नहीं होता, याद रखना। पहला होगा दो, दो के बाद दो 60 को डिवाइड करता है। अगला होगा तीन, तीन भी 60 को डिवाइड करता है, वो भी प्राइम नंबर है। फिर होगा पाँच, पाँच भी 60 को डिवाइड करता है, वो भी प्राइम नंबर होगा। उसके बाद छः, प्राइम नंबर ही नहीं है लेकिन डिवाइड करता है, प्राइम नंबर नहीं है। सात करता ही नहीं, आठ प्राइम नंबर नहीं है। तो बस यही होंगे, ये तीन ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर भी हैं और 60 को डिवाइड भी कर रहे हैं। इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो प्राइम हो और 60 को डिवाइड कर दे। बोल रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर जितने भी लेटर आ रहे हैं उसका एक सेट बनाओ। तो आप बोलोगे भाई टी आ रहा है, सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, याद रखना। टी आ रहा है, आर आ रहा है, आई आ रहा है, जी आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है, ओ दोबारा आ गया, नहीं लिखना, एम आ रहा है, ई आ रहा है, टी पहले आ चुका है, आर पहले आ चुका है, वाई। तो ये बनेगा ट्रिग्नोम, सारे लेटर एक ही बार है ना। उसके बाद बोल रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, अब बेटर से भी बनाना है। तो बी आ रहा है, ई आ रहा है, टी दो बार है लेकिन एक बार लिखेंगे, ई फिर से आ गया, नहीं लिखेंगे, आर आएगा। तो एक वर्ड एक ही बार आना चाहिए, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब उसने क्या करा, रोस्टर फॉर्म दे दी और सेट बिल्डर फॉर्म बनाने की बात कर रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, अब मुझे क्या करना है, एक प्रॉपर्टी लिखनी है जिसको ये एलिमेंट्स क्या कर रहे होंगे, फॉलो। तो चलिए देखते हैं। तो x इज दैट x तो लिखना ही है क्योंकि x वेरिएबल तो असाइन करना ही है जो 3, 6, 9, 12 को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे, आपको देखना है कि ये एलिमेंट्स किस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यार ये 3 का मल्टीपल चल रहा है ना, 3, 6, 9, 12, 3 का टेबल ही तो चल रहा है ये। तो कभी भी आपको किसी का टेबल रिप्रेजेंट करना हो तो लिखना है x इक्वल्स टू 3n। जैसे ये 3 का मल्टीपल है तो 3n, 2 का मल्टीपल होता है 2n, जैसे 2 का टेबल चल रहा होता तो 2n, 4 का टेबल चल रहा होता 4n, 5 का चल रहा होता 5n। तो अगर किसी का टेबल चल रहा है और आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आपको इस फॉर्म में लिखना होगा x इक्वल्स टू 3n। अब यहाँ पर n को मुझे बताना पड़ेगा, n क्या है, यहाँ पर n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि n किसको बिलोंग कर रहा है, मैंने बताया था अभी कैपिटल n जब भी आएगा तो नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर देखो n को 1 पुट करो तो कितना आएगा, 3, ये रहा। n को 2 पुट करो कितना आएगा, 6, ये रहा। 3 पुट करो, ये रहा। 4 पुट करो, ये रहा। तो ये एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी है जिसको ये एलिमेंट क्या कर रहे हैं, फॉलो। लेकिन मैं तो यहाँ पर 5 भी पुट कर सकता हूँ, 6 भी कर सकता हूँ, 7 भी कर सकता हूँ, लेकिन इतने एलिमेंट तो है ही नहीं। मतलब n की वैल्यू मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ तक n पुट कर सकते हो आप। तो उसको कैसे लिखते हैं, n जो है 1 से शुरू होगा और
चार पर खत्म। एन की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 4 के ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि फिर वो एलिमेंट उसमें है ही नहीं। तो यानी कि ये आपको बताना पड़ेगा कि एन की वैल्यू नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग कर रहा नेचुरल नंबर को, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक पुट हो रहा है तो उसको कैसे लिखते हैं, 1 या 1 से बड़ा, 4 या 4 से छोटा। तो एन को लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। अगले पे चलते हैं, अगला देखो क्या चल रहा है, 2, 4, 8, 16, 32। अब इसमें कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी चल रही है, तो इसको लिख लो 2 की पावर n, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x 2 की पावर n, है ना। 1 पुट करोगे 2 आ जाएगा, 2 पुट करोगे 4 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 8 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वेयर n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। और यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 5 तक जा रही है बस। तो लिखेंगे 1 से लेकर के 5 तक, 5 के ऊपर नहीं पुट कर सकते आप, नहीं तो फिर जो एलिमेंट आएगा वो इसमें है ही नहीं, तो वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाएगा फिर, है ना। अगला 5, 25, 125, 625। तो ये है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो क्या लिखेंगे, एक्स इज दैट एक्स 5 की पावर n, यहाँ पर भी n किसको बिलोंग कर रहा है, जब भी 1 से स्टार्ट होगा तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है ना, 4 से ऊपर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखो 2, 4, 6, 8 ये चलता चला जा रहा है, तो ये किसका मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, 2 का टेबल ही तो चल रहा है ये। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर आपको n को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, पुट करते रहो आंसर्स आते रहेंगे, तो जब भी इनफाइनाइट तक जाए तो कुछ लिमिट नहीं आपको डिसाइड करनी, जैसे ऊपर लिमिट्स डिसाइड करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ, यहाँ तो यहाँ पर तो इनफाइनाइट जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है 1, 4, 9। अब देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, यहाँ पर भी एन किसको बिलोंग कर रहा है, ये सब स्क्वायर्स तो है नेचुरल नंबर के, एन नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एन की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक है, सिर्फ 10 तक ही तो स्क्वायर निकाल रहे हैं, आगे तो निकाल ही नहीं रहे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर भी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, बोल रहा है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो बोल रहा है सबसे पहले एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, क्योंकि इसने लिमिट नहीं बताई तो डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके बाद दूसरे में बोल रहा है एक्स इज दैट एक्स एक इंटीजर है, माइनस हाफ से बड़ा, 9/2 से छोटा। अब देखो भाई अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मान लो 0 है, यहाँ पर मान लो माइनस हाफ है, और यहाँ पर 9/2, 9/2 का मतलब होता है 4.5, तो ये 4.5 4 और 5 के बीच में होगा, और ये होता है 0.5, माइनस का 0.5, ये 0, 1 के बीच में होगा। बोल रहा है इंटीजर है माइनस हाफ से बड़ा, 9/2 से छोटा, मतलब 0.5 से बड़ा, 4.5 से छोटा, माइनस 0.5 से बड़ा पहला इंटीजर कौन सा है, 0, फिर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 तो 4.5 से बड़ा हो जाएगा ना। तो ये एलिमेंट होंगे जो इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे होंगे, फॉलो। अब इसमें बोल रहा है फिर से एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। अब आपको सोचना है कि ऐसे कौन से इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर 4 से कम होता है, तो आप बोलोगे 0, 0 का स्क्वायर 4 से कम होता है, 1, 1 का स्क्वायर 4 से कम होता है, बराबर भी लेना है तो 2, 2 का स्क्वायर भी 4 से 4 के बराबर होता है ना, तो बराबर लेना है या कम लेना है, लेकिन याद रखना माइनस 1 भी आएगा इसमें क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर भी 4 से कम होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, क्योंकि जब भी आप माइनस का स्क्वायर कर दोगे तो वो प्लस ही तो बन जाएगा। तो ये सारे इंटीजर हैं जिनका आप स्क्वायर करोगे तो या तो 4 आएगा या 4 से कम आएगा। उसके बाद बोल रहा है लॉयल का बताओ, लॉयल का एक सेट बनाओ लेटर का, तो एल आएगा, ओ आएगा,
वाई आएगा, ए आएगा, एल दोबारा नहीं आएगा, ये हुआ। फिर बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो पहला होता है फेब्रुवरी, मार्च होता है, फिर अप्रैल 31 नहीं होता, फिर जून, फिर सितंबर, फिर नवंबर। तो ये ऐसे मंथ हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते। फिर बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रसीड्स के। तो के से पहले वाले जितने भी कॉन्सोनेंट आते हैं वो आपको लिखने हैं के से पहले। तो ए मत लिखना क्योंकि ए तो वॉवल होता है, कॉन्सोनेंट। बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई मत लिखना, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई मत लिखना, जे होगा। के से पहले जे तक यही होगा बस। तो के से पहले यही कॉन्सोनेंट आते हैं बस। तो इस प्रॉपर्टी को ये एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इनको मैच करवाना है 1, 2, 3, 4 को इनके साथ। तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ रहा हूँ और फिर देखेंगे इन चारों में से इसका कौन सा आंसर है। देखो ये तो मिल ही गया कि मैथमेटिक्स और ये तो मैच कर ही जाएगा, है ना भाई। ये मैथमेटिक्स है, इसका यही तो आंसर होगा। इसके जब मैं सेट बनाऊंगा तो यही तो बनेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, है ना। अब इसमें देखता हूँ ये तीनों में से कौन सा है। बोल रहा है एक्स एक प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है, मतलब एक प्राइम नंबर और 6 को डिवाइड करता हूँ। तो ये रहा, 2 एक प्राइम नंबर है 6 को डिवाइड करता है, 3 एक प्राइम नंबर है 6 को डिवाइड करता है। तो ये रहा इसका आंसर। बोल रहा है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर 10 से कम, ये रहा। तो ये बी से मैच कर जाएगा, ये भी मिल गया। और x एक नेचुरल नंबर है, डिवाइजर है 6 का, तो ये तो यही होगा। 1 का क्या हो गया, c। तो ये सारे नंबर ऐसे हैं जो नेचुरल नंबर है और 6 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो देखिए 1.1 का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, एक्सरसाइज करवाई। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। और अगर वीडियो में कोई भी पार्ट ऐसा लगा हो जो समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।